बच्चों, आपको पता है हम दादा दादी जी दिवस क्यों मनाते हैं? दादा दादी जी की हमारे जीवन में क्या अहमियत है? आपको पता है दादा दादी जी हमारे घर में पेड़ की तरह होते हैं। जैसे एक पेड़ हमें छांव देता है, ऐसे ही दादा दादी जी हमें छांव देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। दादा दादी जी जीवन में सफल होने के लिए हमें उनका आशीर्वाद सबसे ज़रूरी होता है। आपको पता है दादा दादी जी के साथ बिताया हुआ वक्त कितना यादगार होता है? क्या हम उस वक्त को भूल पाते हैं? नहीं ना। आज के दौर में व्यवसाय के कारण ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं। वो एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रह पाते हैं, उनकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। इस कारण से बच्चे अपने दादा दादी जी के साथ नहीं रह पाते हैं और वो जीवन के कुछ उन पाठों से वंचित रह जाते हैं जो केवल दादा दादी जी ही उन्हें सिखा सकते हैं। आपको पता है दादा दादी जी अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव से हमें वो सब बातें सिखा देते हैं जो बातें ना तो हमें कभी कोई किताब सिखा सकती है, ना कभी इंटरनेट, जिस पे हम दुनिया भर की खबरें सीख सकते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत अनुभव नहीं सीख सकते जो हमारे दादा दादी जी हमें सिखा सकते हैं। तो जो बच्चे अपने दादा दादी जी से दूर रहते हैं, जब भी हम दादा दादी जी दिवस मनाते हैं तो वो बच्चे उनसे मिल पाते हैं। साल में एक दिन हम दादा दादी जी दिवस मनाते हैं और उसी दिन वो बच्चे अपने दादा दादी जी का स्नेह पा लेते हैं जो पूरा साल उन्हें वंचित रखते हैं। इसीलिए हम दादा दादी जी दिवस, जिसे हम ग्रैंड पेरेंट्स डे कहते हैं, मनाते हैं, ताकि उस दिन बच्चे अपने दादा दादी जी से मिल सकें, अगर वो दूर रहते हैं तो उन्हें कुछ उपहार दे सकें, उन्हें ग्रीटिंग कार्ड्स बना के दे सकें, या कुछ ऐसा उन्हें बना के दे सकें जिससे दादा दादी जी को फील हो कि हाँ, वो अपने बच्चों के लिए स्पेशल हैं, कि उन्होंने अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकालकर हमें दिया है, हम उन लोगों के लिए स्पेशल हैं। यह दूर रहकर भी उनसे नज़दीकियाँ बनाए रखता है, इसलिए हमें हर साल दादा दादी जी दिवस मनाना चाहिए ताकि बच्चे अपने दादा दादी जी से जुड़े रहें। और जो बच्चे अपने दादा दादी जी के साथ रहते हैं वो इस दिन अपने दादा दादी जी के लिए स्नेह दिखा सकें, अपना प्यार दिखा सकें उनके लिए। आपने सुना ही होगा जो बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जो बच्चे अपने दादा दादी जी के साथ रहते हैं वो बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। हमें अपने दादा दादी जी का हमेशा आदर करना चाहिए, हमें अपने परिवार में हर एक बुजुर्ग की इज्जत करनी चाहिए। तो बच्चों, हमें अपने दादा दादी जी से प्यार करना चाहिए, उनका आदर और सत्कार करना चाहिए। धन्यवाद।